किसानों की आर्थिक दशा सुधारने, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने और संतुलित पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। कभी परंपरागत तरीकों से पनपती बागवानी ने अब आधुनिकता, गुणवत्ता और त्वरित विकास को आधार बना काया पलट कर डाली है। मूल रूप से बागवानी से जुड़े उच्च स्तर की नर्सरी उगाने की नवीनतम तकनीक उनका विशेष परिस्थितियों में रोपण और उस पर कम जगह में ज्यादा उपज नहीं आधुनिकतम बागवानी को नया रूप दिया है। यही है बागवानी जरा हटके अर्थात हाईटेक हॉर्टिकल्चर। बागवानी के इसी प्रभावी रूप की झलक दिखाता है ग्रेटर नोएडा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। बागवानी क्षेत्र में विकसित तकनीकी क्षमता और इसकी उपलब्धियों को प्रयोग में लाना उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक प्रमुख चुनौती है। कम होती जोत और प्राकृतिक स्रोतों की कमी की स्थिति में किसान भाइयों के लिए नए तौर तरीकों से प्रशिक्षण के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाली युवा पीढ़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी है कि उच्च तकनीक बागवानी का विकास हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। यहाँ बागवानी उत्पादन, अनुसंधान, फसलोत्तर प्रबंधन और बागवानी फसलों के मूल्य संवर्धन विषयों पर किसानों को जानकारी दी जाती है। पद्मश्री पुरस्कृत डॉ. के एल चड्ढा की देखरेख में बागवानी प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर यूरोपियन, एशियन, यूएसए और अफ्रीकन देशों से आए कृषि वैज्ञानिकों ने भ्रमण किया है। संस्थान द्वारा विश्व स्तरीय बोधगम्य संरक्षित उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन ICAR के महानिदेशक श्री एस अय्यप्पन द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने इस तकनीक की भूरी भूरी प्रशंसा की। पिछले 5-10 साल में जो क्लाइमेट चेंज का बात हो रहा था लेकिन अभी बिल्कुल महसूस होना लग रहा है। उसके बाद में जो पिछले एक साल में भी हम जो देखे क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का, यो फ्रास्ट कभी देखे नहीं थे हम पहले, अभी हेल स्टॉर्म तो पहले बार इस बार देखा है। और इस बार ये पिछले 3 महीने में हम देख रहे हैं जो अकालिक बारिश हो रहा है। सो ये सभी चीज़ों में सब लोग चिंतित हैं, वो किसान हो वैज्ञानिक, किस तरह ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को हवामान परिवर्तन में बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेडिक्टेड वेरिएशंस हो रहा है, ये सब देखने में क्या करेंगे आगे में। यही हर सवाल हर जगह मुझे यही पूछा जाता है। इस परिवेश में जो आज हम आज आके देखे डॉक्टर चड्ढा साहब के मार्गदर्शन में जो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी यहाँ दिल्ली के इतने नज़दीक में, जब भी बात हुआ सुबह से, ये ऐसा एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम सुने थे, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, कंप्यूटर एडेड एग्रीकल्चर, और एक चीज़ बात हो रहा है आजकल डिज़ाइनर प्लांट्स, कंप्यूटर एडेड एग्रीकल्चर। कई बार अमेरिका से लोग आके हमको लेक्चर्स देते हैं, पूरा सेंसर लगा के अब पानी, न्यूट्रिएंट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब कुछ आप कंट्रोल कर पाते हैं। ये सब हम सुने थे, कुछ पढ़े भी थे, लेकिन आज पहले बार मैं ये बताना चाहूँगा ये इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, पॉली हाउस, ये सब हम देखे हैं। लेकिन ये नया जो इनोवेशन है, इंटरेक्टिव भी था पहले, लेकिन अभी आज इंटेलिजेंट कल्टीवेशन, इंटेलिजेंट पॉली हाउस, इंटेलिजेंट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो यहाँ करके दिखाए हैं, आप भी देख रहे हैं। एक है हाई डेंसिटी, दूसरा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग वी कैन मैनेज, थर्ड इज़ द स्टर्डीनेस, वो भी हम बात कर रहे थे। तो ये सभी समागम होके बेस्ट ऑफ वेराइटीज़, बेस्ट ऑफ कंडीशंस, जो यहाँ ये भी नहीं कि वो हाई साइंस में ऐसे रह गया है, जैसा मुझे यहाँ देखने में मिला, वो किसान भाइयों इतने ज़्यादा नंबर में ऑलरेडी आ चुके हैं, ये नहीं कि साइंस अभी है 10 साल के बाद देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ हाई साइंस, हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारे किसान भाइयों को फर्स्ट हैंड फील, वो खुद आके बैठ के यहाँ कर सकते हैं, इससे क्या होता है उनमें विश्वास इतना होता है कि हम भी जाके यही कर पाएंगे। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के एल चड्ढा और अनेक कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने IHT के प्रयासों के बारे में कहा। इस बिल्डिंग में और उस फार्म में जो काम हो रहा है
और मैं और एक फॉर्म आपका देखा नहीं, लेकिन अभी सुनने को मिला। इसमें आप सभी को, आप सभी जो भी इसमें शामिल हैं, आप सभी को अभिनंदन। जो पूरे देश भर जो हॉर्टिकल्चर बागवानी क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, वहाँ से लेके अभी तो ज़्यादा समय ना लेते हुए ये बताना चाहूँगा, जिस तरह का क्रांति बागवानी में हो रहा है, वो अभी प्रोडक्शन कुल उत्पादन जो है हमारा फल और सब्जी का, पूरा फूड ग्रेन प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी सर्वाधिक है अभी, 262 मिलियन टन, 262.2 लाख टन जो हम बात करते हैं, लेकिन अभी फल और सब्जी का 268 हो गया। दिस इज़ द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर्स, हमारे किसान भाइयों बहनों जो सभी क्षेत्र में, वो पहाड़ी से लेके कोस्टल तक जो किसान भाइयों बहनों लगे रहते हैं इसमें। मैं ज़रूर ये समझता हूँ जो हॉर्टिकल्चर का जो नया आपका प्रयोग पिछले 4 साल से भारतीय विकास संस्थान से आप चला रहे हैं डॉक्टर चड्डा साहब के मार्गदर्शन में, ज़रूर मैं समझता हूँ आपको इसी में, दिस सेगमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्राउड, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। नाउ द ग्रोथ रेट दैट इज़ गोइंग ऑन इन हॉर्टिकल्चर, लेट मी टेल यू, कल ही मुझे, मैं बैंगलोर में गया था, लोग पूछ रहे थे आपका 3 चैलेंज क्या है, चुनौतियाँ क्या है आगे में, मैं बोला WWW, और बोले क्या है ये, आई सेड यू नो वेदर इज़ वन एब्सोल्युटली, वाटर इज़ एब्सोल्युटली ए चैलेंज, चुनौती। थर्ड इज़ वीमेन हु आर कमिंग इन टू एग्रीकल्चर, इन टू हॉर्टिकल्चर, टू रिटेन देम। हमारे ये मेन प्रॉब्लम ये हो गया है कि यूथ, टू रिटेन यूथ इन एग्रीकल्चर। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर KL चड्ढा ने इस तकनीक के बारे में बताया। द ग्रुप ऑफ फार्मर्स, मालीज, एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑफिसर्स हु हैव बीन कमिंग फॉर ट्रेनिंग एंड ऑल अवर एक्टिविटीज which have taken place in the last 4 years. Let me tell you, sir, that for the first 2 years, we virtually did not have a training. So don't think that it's an NGO organization. Its resources came to our rescue and we could run this program, waiting for the 15 states of the country. IHT के संयोजक ने अपने प्रयासों के बारे में कहा। उन्होंने बागवानी की ग्रोथ के लिए जो किया है, ये काबिले तारीफ है, काबिले सराहनीय है, और उनकी सोच है, उसी सोच की वजह से आज यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी है। अब भला हाईटेक बागवानी का प्रचार प्रसार और विस्तार क्यों ना हो, आखिर सवाल भरपूर और गुणवत्ता युक्त उत्पादन का जो है, ये प्रयास जारी है ताकि बागवानी सुधर सके और बागवान बाग बाग हो जाए। ये लो